उप महानिरीक्षक था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली अखिलेश कुमार चौरसिया की बड़ी कार्यवाही। एसएसपी ने दिए नई साल पर नए निर्देश। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया के एक्शन मोड में, न बख्शा जाएगा न बख्शेंगे, ना ही छोड़ेंगे अपराधियों के, कतई लापरवाही नहीं की जाएगी। बरेली में गिरोह बनाकर संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाया जाएगा अभियान। 46 अपराधियों पर खोली एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने गैंगस्टर की किताब। बरेली के थानों पर 46 दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, 14 अभियोग पंजीकृत कर बड़ी कार्यवाही। में एक अभियान चलाया गया था जिसके अंतर्गत गोकसी, लूट और अन्य जो माफिया हैं, अपराधी हैं, उन पे गैंगस्टर का अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कल नववर्ष के दिन, साल के पहले दिन, 14 मुकदमों में 46 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई है। अब इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ली जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी भी सीज होगी और इस तरह की सख्त कार्रवाई अन्य अपराधियों पर भी की जाएगी। और इस साल का हमारा जो विजन है कि किसी प्रकार का भी कोई भी अपराध इस जनपद में ना हो, और जो विभिन्न तरह के माफिया हैं, भू माफिया हो गए, अपराध के माफिया हैं, गोकसी में जो संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई साल भर चलती रहेगी। सरकारी नाले के निर्माण के दौरान गांव के एक पक्ष ने निर्माण कार्य का विरोध किया, जिससे दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों ने ही पथराव कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगरिया कला में नाला निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद हुए पथराव में गांव के ही रहने वाले 60 वर्षीय शराफत की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव में महिला ग्राम प्रधान का पति इसराइल आज सुबह सरकारी नाले के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग निर्माण कार्य का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद इसराइल समेत दो लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए शराफत की मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने पथराव करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू करते हुए घायलों को स्थानीय अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद गाँव में पुलिस तैनात कर दी गई है। गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए, क्या वारदात हुई थी? वहाँ पर पानी को लेकर विवाद है। अच्छा। लोगों को पानी समझे, पानी निकलने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा। वहाँ पर ग्राम समाज की जमीन पड़ी थी, तो ग्राम समाज की जमीन में नाला बना रहा था ताकि पानी तालाब में चला। उन लोगों ने इस पर विवाद करा, मारपीट कर दी, ऊपर छत पर चढ़ के उनने हद्दों से मारपीट करने के बाद में मेरे भाई की रास्ते में बड़े भाई की डेथ हो गई और छोटे भाई मेरे हॉस्पिटल में। पहले लोगों ने पथराव किया है वो हमारे परिवार के ही हैं। एक है शकील अहमद सनाब छोटे, नाजिम सनाब जमील अहमद, तुफैल अहमद सनाब अली शेर। तो कोई रंजिश वगैरह भी थी पुरानी क्या? हाँ, पुरानी मानते रहते हैं वो। एक नाला बन रहा था, वो समाज की जमीन थी या ग्राम समाज की जमीन, उनको इसका विरोध किया था। वो उनकी लेटरिंग वगैरह सरकारी जमीन में बना हुई है, तो थोड़ा सा कोई नुक्का फुक्का आ रहा था, बाकी मैंने वो लेटरिंग उनकी काटी नहीं, लेकिन उसी बात के पीछे वो उन्होंने खिंचा के ये सब कुछ करा। आज करीब 8:30 बजे क्या मारा था सर पे? अद्धे मारे थे, ईंट मार की। तो कोई पकड़ा गया अभी? हाँ हाँ, पकड़े गए। कौन पकड़ा गया? 5-6 लोग पकड़ गए। शकील अहमद भी पकड़ गया है, तुफैल अहमद भी पकड़ गया है, नाजिम और भी कई लोग हमारे परिवार के। आप मौजूदा प्रधान है? नहीं, मेरी पत्नी है। अच्छा। प्रधान पत्नी है। क्या नाम है पत्नी का आपके? नाजमा।